जय श्री राम भाई और बहनों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सबके सब बढ़िया होंगे। आज आप सबका स्वागत है कार स्टेक एंड गेमिंग के एक बिल्कुल नए एपिसोड में। तो उससे देर किस बात की, आइए ज़्यादा समय आपका बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सो भाई, आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ यही क्लैवियर एटम ब्लूटूथ स्पीकर जो 700 रुपीज़ में मिल जाता है अमेज़ॉन में, एंड इसी का मैं एक डिटेल रिव्यू दे रहा हूँ। अगर आपको ये स्पीकर लेना हो तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिए। आपको कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एंड इसका साउंड सिग्नेचर जो है, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। अभी आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, रिव्यू का स्टार्ट करते हुए अगर हम इसके डिज़ाइन के बारे में बात करें तो आपको ड्रम शेप में देखने के लिए मिलता है, सिलेंडर शेप में। एंड ये बहुत ही कॉम्पैक्ट सा स्पीकर है, बहुत जगह में कैरी कर सकते हो, लेकिन आपको कोई भी हैंडल वगैरह देखने के लिए नहीं मिलता है। एंड ये कहीं भी कड़ा हो जाता है, एंड इसका नीचे जो ग्रिप्स दिए गए हैं वो हेल्प करते हैं इसको ग्रिप बनाने में और स्टैंड करने में। सो इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत ही अच्छा है, यूनिक है, क्यूट दिखता है स्पीकर। प्राइस के हिसाब से भी नो कंप्लेंट्स। एंड अगर हम इसके बिल्ट इन मटेरियल्स के बारे में बात करें तो यार ये सॉलिड फील होती है अपने प्राइस के हिसाब से, एंड अपने साइज़ के हिसाब से हैवी फील होती है। एंड जो मटेरियल्स है मैं बोलूँगा उतने भी अच्छे नहीं है, उतने भी बुरे नहीं है, मीडियम है। एंड ये आपको मैट प्लास्टिक देखने के लिए मिल जाता है वो तीनों साइडों में। एंड ये आपको बहुत ही अच्छा, मैं बोलूँगा इस प्राइस में बहुत ही अच्छा है, लेकिन शायद गिरेगा तो टूट जाएगा। मैंने तो ये टेस्ट नहीं किया है, लेकिन मेरे को देख के लगता है शायद टूट जाएगा नीचे गिरे तो। लेकिन इसका डिज़ाइन जो है नो कंप्लेंट्स इन 700 रुपीज़। तो भाई अगर हम इसके फीचर्स के बारे में भी थोड़े बात कर लें तो इसमें आपको 5mm का ड्राइवर देखने के लिए मिल जाएगा, वो भी डायनामिक ड्राइवर। एंड इसमें आपको ब्लूटूथ 5.0 की कनेक्टिविटी देखने के लिए मिल जाएगी। एंड बैटरी बैकअप जो है आपको लगभग इसका कंटिन्यूस यूसेज में जो है आपको 4 to 6 hours आराम से देखने के लिए मिल जाएगा। एंड स्टैंड बाय यूसेज अगर ऑफ करके ऑन करके यूज़ करते हो तो आपको 10 से 12 घंटे आराम से देखने के लिए मिल जाएगा। एंड चार्जिंग टाइम्स जो लेता है ये लगभग 1 hour से 1.5 hour तक ले लेता है फुली चार्ज होने में जीरो से। सो भाई अभी हम बात कर लेते हैं इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में। सो यार अगर हम इसके एडवांटेज के बारे में बात करें तो इसमें आपको साउंड जो है इसका बहुत ही सबसे बड़ा एडवांटेज है, बहुत ही अच्छा साउंड है इसका। एंड सेकंड एडवांटेज जो है इसका बैटरी बैकअप है, इसका फेवर में ही आता है। एंड थर्ड एडवांटेज इसका है इसका कॉम्पैक्ट साइज, बहुत ही अच्छा लगा, मतलब कहीं भी कैरी कर सकते हो, बहुत ही अच्छा है। एंड फोर्थ इसका जो है वो आपको थोड़े से मतलब 360 सराउंड साउंड वाली इफेक्ट आती है अगर आप इसको नीचे लगा के ऐसा सुनो तो। सो ये चारों इसके एडवांटेज थे। एंड अभी मैं आपको इसके कॉन्स बता देता हूँ, यानी डिसएडवांटेजेस बता देता हूँ। एंड डिसएडवांटेजेस इसके ये हैं कि ये जल्दी स्क्रैच हो जाती है, आपको मैं दिखा देता हूँ, आपको शायद दिख रहा होगा, स्क्रैच जल्दी हो जाती है, बहुत दिन नहीं हुए इसको खरीदते हुए फिर भी बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस पड़ गए। एंड अगर आप कोई बेड पर लगा लेते हो तो इसका साउंड जो है वो ब्लॉक हो जाता है नीचे से, क्योंकि नीचे से ही इसका साउंड आता है। एंड इसके हाथ से भी आप जो है इसका साउंड ब्लॉक कर सकते हो। एंड इसका जो लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी है वो क्वेश्चन मार्क है, गिर जाएगा तो शायद टूट भी जाएगा, ये भी एक डिसएडवांटेज के अंदर ही आएगा। इसमें दो फीचर्स मिसिंग है, वो है एक इसका FM तो इसमें है नहीं, FM रेडियो इसमें नहीं है। एंड दूसरा इसमें ऑक्स भी आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। एंड बहुत सारे लोगों को जो है ये मेन कंसिडरेशन ही यही रहता है कि ये फीचर होना चाहिए, एंड इसमें वो नहीं है। सो उन लोगों के लिए स्पीकर बिल्कुल भी नहीं है, सो ये भी डिसएडवांटेजेस में ही कंसिडर कर सकते हो। तो यही था इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अभी इसका साउंड क्लैरिटी टेस्ट कर लेते हैं। सो भाई बेसिकली मैं अभी बना रहा हूँ यही क्लैवियर एटम ब्लूटूथ स्पीकर का एक साउंड टेस्ट, वो भी मैं आउटडोर कंडीशंस में बना रहा हूँ, टेरेस के ऊपर शूट कर रहा हूँ। एंड इसको देख के आपके जो कोई भी डाउट्स रहेंगे इसके साउंड क्लैरिटी के बारे में वो क्लियर हो जाएंगे। एंड मैं जो गाना प्ले करने वाला हूँ वो है डीजे कैंटिक का और स्ट्रीट्स, ये गाना आजकल बहुत ही पॉपुलर हो रहा है इसलिए मैं लगा रहा हूँ, एंड आप इसको सुन लीजिएगा। फुल वॉल्यूम है दोस्तों। एंड इधर से प्ले होता है दोस्तों, इधर से आता है साउंड नीचे से। सो गाइस,
यही था इसी क्लेवियर एटम ब्लूटूथ स्पीकर का साउंड टेस्ट। आप आई होप आप सबको इसका साउंड क्लैरिटी समझ में आया होगा इस वीडियो को देखने के बाद। अभी आगे बढ़ते हैं। एंड याद रखिएगा दोस्तों, मैं अभी जो साउंड टेस्ट किया है मैंने इसका, वो आउटडोर कंडीशंस में किया है, इसलिए थोड़ा साउंड कम ही आएगा कंपेयर टू द इंडोर्स। मैं रेगुलरली जो करता हूँ इनसाइड में करता हूँ ऐसे रिव्यूज, लेकिन अब मैं आउटडोर में कर रहा हूँ। एंड इसका साउंड भी जो है बहुत ही अच्छा है। इंडोर आप यूज़ करते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। एंड सेगमेंट किंग जेब्रॉनिक जेब कांटिक के साथ अगर हम इसको कंपेयर करें तो इसका साउंड क्लैरिटी उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन लाउडनेस के बारे में थोड़ी फीकी पड़ जाती है। एंड प्राइस भी इसका लगभग 100 से 200 रुपए ज़्यादा ही रहेगा। अगर आप एक कंपैरिजन वीडियो चाहते हो सेगमेंट किंग जेब्रॉनिक जेब कांटिक के साथ इसी स्पीकर का, तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं वो ही एक वीडियो बना दूंगा। अगर हम इसके प्राइसिंग के बारे में बात करें तो आपको ये अमेज़ॉन में लगभग 699 में देखने के लिए मिल जाएगा। एंड अभी न्यू ईयर ऑफर्स चल रहे हैं तो शायद 500 में भी देखने के लिए मिल जाए, किसको पता है। एंड इसका वैल्यू फॉर मनी होने या ना होने के सवाल आए तो ये मैं डेफिनेटली बोलूँगा 700 रुपीज़ के अंदर बहुत ही अच्छा स्पीकर है। शायद 1000 से 1200 रुपए वाले स्पीकर्स को भी ये हरा सकती है। एंड इसकी साउंड क्लैरिटी जो है वो इतनी अच्छी है, आई एम इन लव विद दिस थिंग। मैं इसको 3 डेज से यूज़ कर रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको ईजिली बता सकता हूँ ये स्पीकर ले सकते हो आप। बहुत ही अच्छी साउंड क्लैरिटी है इसकी डेफिनेटली, इस सेगमेंट में तो इससे बढ़िया साउंड क्लैरिटी तो है ही नहीं किसी का, लेकिन लाउडनेस जो है वो थोड़ी कम है। एंड अगर आप इंडोर में लेना चाहते हो इंडोर यूसेज के लिए तो डेफिनेटली गो फॉर दिस 700, बहुत ही अब वेल स्पेंड लगेगा आपको, वर्थ स्पेंडिंग 700 फॉर दिस, डेफिनेटली गो फॉर इट। तो भाई आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप सबको पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको कुछ नया देखने के लिए मिला होगा। अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आता तो नीचे जरूर कमेंट कीजिए, अगर पसंद नहीं भी आता है तो फिर भी नीचे जरूर कमेंट कीजिए, मुझे बताइए यार कि इस वीडियो में क्या गलती हुई है। एंड आपके कमेंट्स में हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ, एंड आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, इसलिए ज़रूर कमेंट कीजिएगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।